आज के क्लास में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 के मैथमेटिक्स 2024 का जो मॉडल सेट 1 आया है इसके बारे में हम लोग आज में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या क्या रूल रेगुलेशन है इसको जानते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर है 11th का, टोटल मार्क्स 40 है और टाइम हमें मिलता है 1 घंटे का। 1 घंटे में हमें 40 क्वेश्चन बनाने हैं जो सभी एक एक मार्क्स के हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए आपका सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या क्या होता है का वोवेल ए ई आई ओ यू। देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n-1 अगर सेटे में n मेंबर हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ की टोटल आपके 5 मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 2^5। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए तो होता है केवल 2^n, ये आप जानते हैं। एक कम क्यों, कारण जब हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं तब में हम लोग जो आपका क्या है इक्वल वाला सेट बनेगा वो वाले को लेते नहीं हैं, इसलिए होता है 2n-1, 2^5-1, 32-1, यानी कि ये आ गया आंसर कितना 31। तो ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं वीडियो के शुरू में ही दोहरा दे रहा हूँ, मैं जितना भी पढ़ाऊँगा इसे लास्ट में सेव करके एज ए PDF के फॉर्म पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसलिए मैं साथ साथ में टिक भी करता चल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो यहाँ से कौन सा गलत है, तो सबको ही जानते हैं हम लोग डिमॉर्गन्स का नियम, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरे वाले के लिए भी बता दूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो गलत नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होते। सही बात है, कारण ये तो इसके बराबर होता है। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, कारण ए और इसका कॉम्प्लीमेंट सेट में अगर कुछ भी फाइंड आउट करने जाइए तो कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट। ये स्टेटमेंट गलत है, कारण आप जानते हैं इंटरसेक्शन जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम ही होता है, और ये तो लिखता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड आउट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। मैं थोड़ा सा फिगर बनाकर आपको बता देता हूँ कौन सा रीजन ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा बी माइनस ए को। आप जानते हैं अगर ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी को, तो ये पोर्शन ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है और ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो चलिए मेरे साथ सभी बोलते जाएंगे, ए माइनस बी में, अच्छा एक बार लिख लूँ, इस फिगर में ए माइनस बी में क्या क्या मिला, 3, 4, 7। बी माइनस ए में क्या क्या मिला, 5 और 6 दिख रहा है। दोनों का यूनियन कर दिया जाए, यानी कि मिक्स कर दें, 3, 4, 7, 5, 6। कौन सा ऑप्शन, 3, 4, 7, 5, 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ना। और आप जानते हैं सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल। इस इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म क्लोज इंटरवल है। इंटरवल हमेशा से सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का, सभी जानते हैं। एंड क्लोज इंटरवल का मतलब है कॉर्नर पॉइंट को इंक्लूड करना है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल -2 बट लेस देन और इक्वल 7। एडिशनल नॉलेज के लिए, अगर यही आपका क्या है पेरेंथिसिस या छोटा ब्रैकेट लगा हुआ रहता तो आप जानते हैं कि इस ऐसा अगर कुछ रहता तब मैं कॉर्नर पॉइंट को हम लोग नहीं लेते हैं, तब मैं हम लोग लिखते हैं ऐसा कुछ। तो अभी तो ऊपर वाला दिया है और ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कौन सा मैच कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो मैच कर रहा है फर्स्ट वाला, करेक्ट ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी का रूल क्या है। दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी का रूल है
पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं x प्लस थ्री इक्वल सिक्स, टू एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव। थ्री जाकर सेपरेट हो गया, कितना आ गया थ्री। इसी थ्री को यहाँ यूज कर लीजिए, टू इंटू थ्री प्लस वाई इक्वल फाइव, सिक्स प्लस वाई इक्वल फाइव, सो वाई इक्वल माइनस वन। ऑप्शन नंबर x इक्वल थ्री, वाई इक्वल माइनस वन, थ्री माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है वन बाई अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं रियल नंबर या रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन अगर आप बताने जा रहे हैं रियल फंक्शन का, तो दो कंडीशन से हमें बचना चाहिए। एक तो फ्रैक्शन में जीरो नहीं होगा और रूट पर नेगेटिव नहीं होगा। कारण है कि ये दोनों ही कंडीशन रियल नंबर के सेट में नहीं आते हैं। तो पहला हमें पता चला कि जीरो कहाँ होगा, तो आप झट से निकाल सकते हैं, रफ है ये, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल नाइन, एक्स इक्वल प्लस माइनस थ्री। एक्स का वैल्यू प्लस थ्री या माइनस थ्री रखेंगे तो ये नहीं रखा जा सकता है, कारण इससे वन बाई जीरो वाला आपका क्या है दिखने लगेगा, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या फिर जिसे आप क्या कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। तो एक्स इक्वल प्लस माइनस थ्री नहीं चलेगा। अब इस पर थ्री से बड़ा कुछ रख के चेक कर लीजिए, और एक बार माइनस थ्री से छोटा रख के चेक कर लीजिए, और एक बार बीच वाले पे। थ्री से बड़ा अगर फोर रख लें, सिक्सटीन, नाइन माइनस सिक्सटीन कितना बच रहा है माइनस सेवन। रूट के अंदर माइनस सेवन भी नहीं आएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन तो होगा नहीं। माइनस थ्री से छोटा रख लीजिए माइनस फोर, स्क्वायर होकर फिर से सिक्सटीन हो जाएगा, नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस सेवन, ये भी नहीं आएगा। माइनस थ्री और थ्री के बीच का कोई भी नंबर रख के चेक कर लिया जाए, साइन ही तो पता करना है। तो मान लीजिए हम लोग जीरो रख लेते हैं, बीच में जीरो आएगा, जीरो रखने से ठीक पॉजिटिव है। यानी कि हम लोग का डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक, माइनस थ्री से लेके थ्री तक तो होगा, माइनस थ्री से लेके थ्री तक होगा, लेकिन माइनस थ्री और थ्री को भी नहीं लेना है, कारण वो फ्रैक्शन में नीचे जीरो आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू माइनस थ्री से थ्री, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ना। द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल, जो आपके ब्रैकेट पे एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का खासियत होता है, इससे जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा इंटीजर आता है। अगर आपको पता है कि इससे इंटीजर आता है, तो इसका जो रेंज होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन में हमें जेड दिख रहा है, तो बी। 40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है। 40 डिग्री 30 मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट किया जाए, तो सबसे पहला 40 डिग्री 30 मिनट, तो 40 डिग्री सभी जानते हैं 30 मिनट यानी कि हाफ डिग्री। सिंस 60 मिनट इक्वल 1 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री इक्वल 30 मिनट इक्वल कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री। 80 प्लस 1 81 बाई 2 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाई 180 से। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से। किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से तो कैंसिल हो रहा है, 9 20, तो ये हो गया 9 पाई बाई 20 इंटू 2 40। कौन सा आंसर, 9 पाई बाई 40 रेडियन, ऑप्शन नंबर ए। द वैल्यू ऑफ कोस माइनस 15 पाई बाई 4। सबसे पहले माइनस का ट्रीटमेंट, और हम लोग जानते हैं कोस नेगेटिव थीटा इक्वल कोस थीटा होता है, तो ये हो गया कोस 15 पाई बाई 4 कोस। अब हम लोग काम करेंगे कि इसे क्या करेंगे, अगर लिखने जाएं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 4। आप चेक कर लीजिए, 4 इंटू 4 16 माइनस 1 15 पाई बाई 4 करेक्ट। और आप जानते हैं जितना भी 2 पाई 2 पाई का अगर 2 टाइम्स मल्टीपल पे आ रहा है, यानी कि ये पक्का है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से वाले में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस तो पॉजिटिव ही होता है,
कोस पाई बाई फोर, और कोस पाई बाई फोर का रिजल्ट क्या आता है, 1/√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टू साइन ए इंटू कोस बी, फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो टू साइन 15 डिग्री कोस 75 डिग्री, साइन 15 प्लस 75 प्लस साइन 15 माइनस 75, ये हो गया साइन 90, ये हो गया साइन माइनस 60। साइन 90 सभी को फॉर्मूला पता है, साइन नेगेटिव थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। साइन 90 डिग्री 1, साइन 60 डिग्री √3/2, यानी रिजल्ट है 2 − √3/2। ऑप्शन नंबर डी 2 − √3/2। आपको बताना है ये एक्सप्रेशन या ये व्यंजक जो दिया हुआ है ये किसके बराबर है। आइए सॉल्व करते हैं। √1 − cos 2a / 1 + cos 2a, 1 − cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin² 2a है तो a हाफ करना है ना, 1 + cos 2a का होता है 2 cos² हाफ करना है a, sin² / cos² 10² a, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आंसर इज 10a, 10a ऑप्शन नंबर a। −5 iota × 1/8 iota इक्वल क्या होगा, तो जनरल एलजेब्रा, −5/8 iota 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 square, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट होता है −1 − −+5/8। तो ये तो केवल रियल नंबर आया, तो इसके साथ अगर आप इमेजिनरी पार्ट दिखाना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 0 × iota। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + iota इज, z = 1 + iota, रियल पार्ट को कंसिडर कीजिए r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर कीजिए r sin थीटा, दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए, 10 थीटा इक्वल, या एक बार लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 / इक्वेशन 1, r sin थीटा / r cos थीटा इक्वल 1/1 1, 10 थीटा इक्वल 1। हमको क्लियर दिख रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो हम लोग डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग पढ़ने में बनाते हैं कि पहले हम लोग एक अल्फा फाइंड आउट करते हैं, फिर जाकर हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं, तब जाकर बताते हैं कि अल्फा थीटा में रिलेशन क्या होगा। आइए अगर इस पर भी आ सकते हैं तो लेट 10α इक्वल mod of 10θ, mod 1 1 का 1 1, 10 पे कहाँ होता है तो सभी जानते हैं 45 डिग्री, अच्छा रेडियन में लिखना है तो π/4, α = π/4, सिंस जेड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, कैसे जाने, पहला कोऑर्डिनेट एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रूल है आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको आप थीटा कहते हैं, ये अल्फा के इक्वल होता है, यानी आंसर हो गया π/4। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, आइए इसे सॉल्व किया जाए। −12 < 3x − 5, पहले −5 इस ओर आ जाएगा, −12 में 5 अगर ऐड किया जाए तो −7, 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, −7/3 x,
आप ध्यान से सुनिएगा, इसी स्टेटमेंट को दो तरीके से कहा जा सकता है। हम लोग कह सकते हैं माइनस सेवन बाई थ्री इज लेस देन एक्स, या इसी को उल्टा लिखा जा सकता है एक्स इज ग्रेटर देन माइनस सेवन बाई थ्री। अब ध्यान देंगे नंबर लाइन में, अगर ये आपका माइनस सेवन बाई थ्री है और इससे ग्रेटर कह रहा है, तो ग्रेटर तो हम लोग इन्फिनिट तक जा सकते हैं, यानी कि इंटरवल अगर लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस सेवन बाई थ्री से इन्फिनाइट स्मॉल ब्रैकेट ना, यानी कि ओपन इंटरवल, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस सेवन बाई थ्री टू इन्फिनाइट, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। इफ x इज ए रियल नंबर एंड मोड x इज लेस देन थ्री, ध्यान से आप दो वो याद करेंगे सभी, इफ मोड x इज ग्रेटर देन a देन सॉल्यूशन सेट होता है x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a। अगर मोड x इज लेस देन a तो हम लोग याद कर लेंगे x इज माइनस a टू प्लस a, तो ये तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। मोड x इज लेस देन 3 तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा माइनस 3 टू प्लस 3, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 3 बट लेस देन 3, ऑप्शन नंबर माइनस 3 टू 3, ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ 4c3, बहुत सारे रूल वगैरह लगा के बना सकते हैं, नहीं तो सीधे बना लेते हैं। 4c3 लिखा हुआ है एकदम बेसिक लेवल पे, 4 से 3 नीचे अगर लिखा हुआ है तो 3 टर्म पीछे जाइए, भाई नीचे जो लिखा हुआ है इसका फैक्टोरियल 4, 3, 2, आप जानते हैं 3 का फैक्टोरियल 3, 2, 1, 3, 2 कैंसिल, ये आ गया आंसर 4। या फिर हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर, 4c3 को लिख सकते हैं 4c 4 माइनस 3, थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, 4c1 एक टर्म लिखना है, 4 और 1 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे आंसर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, या इज नॉट अलाउड। ध्यान से, अगर डिजिट रिपीट नहीं करने दे रहा है तब तो एकदम बेसिक सा मेरा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 4, कितने करके अरेंज करना है 2-2 करके अरेंज करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स, 2 अंकों की संख्या, और क्या होगा फॉर्मूला, कितने हैं 4 में से 2-2 लेना है 4p2। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं पीछे जाना है और नीचे डिवाइड करते हैं, बस परम्यूटेशन निकालने के लिए नीचे डिवाइड नहीं करते हैं, 4 × 3 यानी कि कितने नंबर्स बनेंगे 12। इफ 16cr इक्वल 16cr प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ r इज, 16cr इक्वल 16cr प्लस 2, एक फॉर्मूला है हम लोग को याद रखना चाहिए, इफ ncx इक्वल ncy एंड x इज नॉट इक्वल टू y, अगर कॉर्नर पे नहीं दिखेगा तो इसे मैं सेंटर कर देता हूँ, तो याद रखना चाहिए n इक्वल होता है x प्लस y। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 16 इक्वल r प्लस r प्लस 2, वो वाले फॉर्मूला से 16 इक्वल 2r प्लस 2, 2r इक्वल 14, सो r इक्वल कितना आ गया, r इक्वल आ गया आपका 7, करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये ऑप्शन नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ and 5, 1 + x⁴ to the power 5, इसे आप लिख सकते हैं 1 + x⁰। हम लोग जानते हैं x + y to the power n के
एक्सपेंशन में एन प्लस वन टर्म्स होता है। कितने टर्म होते हैं? एन प्लस वन टर्म्स होते हैं, जो पावर है एक बढ़ा देना है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा 20 प्लस वन, यानी कि आंसर हो गया 21। ये याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 21, ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आर इक्वल 0 to 10 2 to the power r 10 cr इज, मैं इसे अच्छे से एक्सपेंड करके आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ r इक्वल 0 to 10 to the 10 to r 10 cr, ठीक है ना? इसका हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। इसका अगर वैल्यू निकालना है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, एक बार हमने जीरो रखा 2 to the power 0। अच्छा, इस टर्म को मैं आगे लिखते चल रहा हूँ, 10 c 0 2 to the power 0, 10 c 1 2 to the power 1, 10 c 2 2 to the power 2, 10 c 10 2 to the power 10। अब सभी को ध्यान से इसको समझना है, ये किसके एक्सपेंशन से मैच कर रहा है? तो ये एक्सपेंशन से मैच कर रहा है 1 plus x to the power n से। सभी ध्यान देंगे, nc 0 1 to the power n, आप जानते हैं कि वही सेम रह जाता है, प्लस nc 1। अच्छा, मैं आपको लिख के बताता हूँ, 1 to the power n nc 1, एक एक पावर डिक्रीज करता है, n-1 x to the power n 1, nc 2 1 to the power n-2 x to the power 2, और ये करते करते जाएगा nc n x to the power n तक, ठीक है? तो इसमें से हम सभी को पता है 1 का पावर n तो आपका क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 1 to the power n सबको हटा देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं nc 0 nc 1 x nc 2 x square nc 3 x cube nc n x to the power n, ठीक है? तो अगर इस साइड से अगर कंपेयर किया जाए, तो इस साइड से कंपेयर किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से जहां जहां x है वहां वहां 2 लिखा हुआ है, 2 का पावर 0, यानी 1, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 2 का पावर 0 है, ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि x से हम लोग को क्या रखना है, 2 रखना है। ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाई 2 एंड n बाई 10, ध्यान दीजिएगा, n के जगह में 10 लिखा हुआ है, करेक्ट, और x से हमें क्या लिखा हुआ है, x से हमें आपको दिखेगा कि 2 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको जाके इस साइड पर रख लीजिए। इसका रिजल्ट 1 plus 2 to the power 10, यानी 3 to the power 10। अब बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से, अगर पहले आप इस एक्सपेंशन को देखें, और इसको आपको याद रखना है, 1 plus x to the power n का एक्सपेंशन होता है nc 0 plus nc 1 x nc 2 x square, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 2 दिख रहा है, और n n के जगह में क्या दिख रहा है, 10। तो बस इस साइड में आप क्या कर लीजिए, एक से बदले में 2 रख दे रहे हैं, और n के जगह में क्या रखते जा रहे हैं, 10 रखते जा रहे हैं, बस 2 1 3 3 to the power 10। टिक किया हुआ है। इफ a1 इज गिवन, an इज गिवन, देन a3 इज इक्वल टू, a1 3 है, an इक्वल 3, an-1 plus 2, a3 निकालना है ना, when n इक्वल 3, तो a3 इक्वल 3 इंटू, यहाँ 3 रखेंगे तो 3-1 2, यही होगा। तो हमें a2 का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, तो चलिए पहले a2 निकाल लिया गया, ये तो हम लोग को दिया हुआ है फॉर्मूला, when n इक्वल 2, a2 इक्वल 3, 2-1 1 plus 2, a1 का वैल्यू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 आ गया 11, इसको यहाँ कर लीजिए यूज, प्लस 2,
11 इंटू 3 33 प्लस 2 ई हो गया आपका 35, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर से हम लोग 3 रख रहे हैं तो हमको ए2 चाहिए, और अगर हम लोग क्वेश्चन देखने जाएं तो क्वेश्चन में ए2 का तो वैल्यू दिया नहीं है, ए1 का दिया है। पहले ए1 की हेल्प से हम लोग ए2 निकालेंगे, और ए2 को रख के हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए3 निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज गिवन एंड द सिक्स्थ टर्म इज गिवन, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। चलिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म आप जानते हैं फॉर्मूला होगा ए आर स्क्वायर 24, सिक्स्थ टर्म ए आर का पावर एक कम लिखते हैं ना 5, 192। इन्हीं को सॉल्व करके आर और ए सारा कुछ निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ए आर टू द पावर 5 ए आर स्क्वायर 192 बाई 24, आर क्यूब इक्वल 24 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। चेक कर लीजिए, 8 फोर जा 32, 8 इंटू 2 16, 3 19। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो आर का वैल्यू मिल गया 2। कहीं पे भी रख के ए निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ए का वैल्यू आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इफ एम ऑफ टू नंबर इज 3 एंड एक्स इज 15, देन देयर जीएम इज इक्वल टू, पहले नंबर निकाल लिया जाए। हम लोग जानते हैं एम इक्वल होता है दोनों नंबर को ऐड करना और हाफ करना है। एम दिया हुआ है 15, पहला नंबर 3, दूसरा नंबर एक्स बाई 2, ये हो गया 15 इंटू टू 30, एक्स 3 आके सेपरेट हो जाएगा 27। तो हम लोग को दो नंबर क्या क्या मिला, दो नंबर मिला एक 3 और एक 27। आइए जीएम निकालते हैं, दो नंबर का जीएम क्या होता है, रूट अंडर ए बी ना, रूट अंडर 3 इंटू एक्स, एक्स हमें 27 और 81 का रूट आप जानते हैं कितना आता है, 81 का रूट होता है 9। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखिए ध्यान से, ये सब तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ लाइन यानी कि ढाल जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, स्लोप m इक्वल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं y2 - y1 / x2 - x1, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर इसका स्लोप निकाला जाए तो स्लोप इक्वल हो जाएगा y2 4 - 2 x2 - x1, ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए। द एंगल बिटवीन द लाइंस इज, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो हम लोग जानते हैं एंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि अल्फा एंगल है ना, तो टेन अल्फा इक्वल होता है m1 - m2 / 1 + m1 × m2, m1 m2 दोनों लाइन का स्लोप है। तो सबसे पहले स्लोप निकाला जाए, 2x - y + 3 = 0, हम लोग स्लोप निकालते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, y = mx + c से कंपेयर करके। तो यहाँ से y फाइंड आउट कीजिए, y को दूसरी ओर भेजा जाए तो माइनस से दूसरी ओर जाएगा प्लस, y = mx + c से कंपेयर करने पर या तुलना करने पर, x के आगे जो गुना रहता है यही स्लोप होता है। तो m1 का वैल्यू मिल गया 2। अब दूसरे वाले में आइए,
एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल जीरो, टू वाई इक्वल माइनस एक्स माइनस थ्री। आपको वाई इक्वल निकालना है ना कंपेयर करने के लिए, दो से डिवाइड कर दीजिए, माइनस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री बाई टू। तो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर किया जाए तो स्लोप मिल गया माइनस वन बाई टू। इस फॉर्मूला में हम लोग रख कर निकाल सकते हैं, और हम मोड लगा लीजिएगा, जनरली हम लोग एक्यूट एंगल ही लेते हैं लाइन के बीच का, फॉर्मूला में रख के बना सकते हैं। लेकिन दो कंडीशन आप याद रखिएगा, मैं लिखूँ ना लिखूँ आप याद रखेंगे। अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर आ गया तो कहिएगा कि ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर दोनों लाइन का अगर आपका स्लोप आपका क्या है ऐसा कुछ बना कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस वन आ रहा है तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, जो कि यहाँ हो रहा है। सिंस m1 इंटू m2 इधर 2 और इधर माइनस वन बाई टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है माइनस वन, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितने का है, तो दोनों के बीच का एंगल है आपका 90 डिग्री, कारण है दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। आइए नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3, 2, ये जो इतना का है, मान लेते हैं अगर इंटरसेप्ट ए और आपका क्या है ए और बी है, तो इसका हमको मिडिल पॉइंट दिया हुआ है कितना है 3, 2 है। मिडिल पॉइंट दिया हुआ है 3, 2 है, तो हमको इक्वेशन लिखना है। हम लोग इजीली स्लोप आपका जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें इंटरसेप्ट चाहिए होगा ए और बी का वैल्यू। तो ए और बी का वैल्यू निकाला कैसे जाए, दोनों को ऐड करने से हाफ करने से 3 आएगा। इसी बात पे ए फ्रॉम फिगर a प्लस जीरो बाई टू इक्वल थ्री, ए बाई टू इक्वल थ्री, सो a इक्वल सिक्स। b प्लस जीरो बाई टू इक्वल टू, तो b इक्वल आ गया 4। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है फॉर्मूला, तो हम लोग सबको जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4 इक्वल 1, एलसीएम लेंगे 24, ऐसे 24 नहीं 6 और 4 का 12 आ जाएगा ना, 2x प्लस 3y इक्वल 1, 2x प्लस 3y इक्वल 12, कौन सा ऑप्शन, 2x प्लस 3y इक्वल 12, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ था। 27, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा फॉर्मूला एकदम आसान सा है। लाइन के इक्वेशन में पॉइंट को लाकर रखना है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई रूट अंडर एक्स और वाई के कोफिशेंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। क्लियर, इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया हुआ है इसमें पॉइंट को लाकर रखेंगे और नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस दूरी इक्वल, फॉर्मूला तो सामने लिखा हुआ दिख ही रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा ई दोनों पॉइंट को यहाँ ला के रखिए 3 × 3 4 × −5 −26 बाई रूट अंडर एक्स के आगे का कोएफिशिएंट 3, वाई के आगे का कोएफिशिएंट −4। और हाँ मोड लगाइएगा, कारण डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 20 −26 9 प्लस 16 29 में 6 गया 3 रूट 25 3/5 यूनिट्स, कितनी इकाई दूरी पे है तो 3/5, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको सर्कल का क्या करना है, रेडियस बताना है। तो सर्कल का रेडियस बताना है तो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल 0। तो हम लोग पहले इसको, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। तो हम लोग को होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। आइए जल्दी जल्दी से होल स्क्वायर में बदला जाए। ये x का हो गया, ये y का हो गया, और जो नंबर है इसे छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितने से गुना करेंगे तो 8 होगा, 4। तो 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे भी, 4 का स्क्वायर घटाएंगे भी। वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू कितने से गुना करेंगे तो 10 आएगा, 5। 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे भी, 5 का स्क्वायर घटाएंगे भी। ये हो गया ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस 16 बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 25 बच गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 8 इक्वल 0। माइनस 16 माइनस 25 माइनस 8 माइनस 49, दूसरी ओर जाएगा 40 प्लस 49 हो जाएगा। और इससे कंपेयर करके याद रखिएगा, बीच में माइनस होता है, अगर प्लस है तो माइनस सोच के कंपेयर कीजिएगा। तो हम लोग बता सकते हैं कि सेंटर जो है, सेंटर आपका माइनस 4 माइनस 5 पे है। ऐसे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, एकदम आसान है सेंटर बताने का। जो एक्स के आगे में गुना रहेगा इसका आधा कीजिएगा और माइनस लगा दीजिएगा, चेक कीजिए। जो x के आगे में रहेगा उसका आधा करना है और माइनस लगाना है, जो y के आगे में गुना रहेगा उसका आधा करना है और माइनस लगाना है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 8x, फोकस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखा है पैराबोला का, तो आप जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4x, इससे कंपेयर कर लीजिए। तो y मैच कर गया, x मैच कर गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 4a इक्वल 8। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 2, 4a इक्वल 8, a का वैल्यू 2। और इसका हम लोग जानते हैं फोकस जो होता है, फोकस होता है माइनस a 0 पे, तो फोकस हम लोग को मिल जाएगा माइनस 2 0। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, तो 4a यानी कि 8, या इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, 4 × 2 = 8। ऑप्शन नंबर माइनस 2 0 और 8, माइनस 2 0 और 8। द वर्टिक्स दिया हुआ है और फोकाई दिया हुआ है। वर्टिक्स यानी कि ए का वैल्यू 5, किसके लिए कह रहे हैं, इलिप्स के लिए, और फोकाई यानी सी का वैल्यू 4। आप जानते हैं 4 इलिप्स, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका फोकस और आपका क्या है वर्टेक्स दोनों एक्स एक्सिस पे है, यानी कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। कौन सा इलिप्स, हॉरिजेंटल, कारण है कि फोकस और वर्टेक्स आपका कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से बी निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी कि आ गया 9। बी निकाल के क्या कीजिएगा, आपको तो बी स्क्वायर का ही जरूरत है, यहाँ के रख लीजिए। ए का वैल्यू 5, तो ए स्क्वायर 25। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, एक घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना तेज लिख सकते हैं, 9 इक्वल 1, लेकिन गलती भी नहीं करना है।
तो ये ऑप्शन नंबर ए चेक कलर, ऑप्शन नंबर ए द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ध्यान दीजिए, पहला वाला ए स्क्वायर 9, ये हो गया बी स्क्वायर 16। इसेंट्रिसिटी e इक्वल होता है सी बाई ए, सी इक्वल होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर e किसके लिए, हाइपरबोला के लिए ना, e फॉर इसेंट्रिसिटी 9 प्लस 16 बाई, अगर यहाँ से a निकाल लें रूट कर ले तो 3। देखिए सीधे हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू 9 और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 25/3 यानी कि आ गया आपका कितना 5/3, ऑप्शन नंबर 5/3 डी। ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में आएगा, -1, -2, -3। देखिए हम लोगों ने इसके बारे में बहुत चर्चा किया है, पहले दो कोऑर्डिनेट को देखना और बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश का है, तो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, यानी कि ये है थर्ड का, किसका थर्ड का, अगर जेड वाला प्लस में मिला तो वही 3 ही रह जाएगा, लेकिन जेड वाला माइनस में मिला तो इसमें ऑक्टेंट निकालने के लिए 4 जोड़ देना है, तो 3+4 यानी कि 7, लिखते रोमन में है तो 7 को लिखेंगे कैसे, तो 7 को लिखेंगे ऐसे, यानी कि ये कौन से ऑक्टेंट में है, 7, अगर जेड प्लस रहता तो 3 ही होता ना, लेकिन अगर जेड माइनस है तो जो आपका क्वाड्रेंट चतुर्थांश है उसमें 4 जोड़ना है, तो ये आ गया 7, ऑप्शन नंबर सी 7th सप्तम। इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन देन द लेंथ ऑफ साइड, एक स्क्वायर बनाया जाए, ये रहा स्क्वायर, इसका डायगोनल बनाया जाए, ये रहा डायगोनल, इसका किनारा दिया हुआ है आपको, कलर चेंज कर लिया जाए, 1-2, 3 और 2-3, 5। सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे, सबको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र जानते हैं, x2-x1 का स्क्वायर + y2-y1 का स्क्वायर z2-z1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 2 हो गया 6। क्या हम लोग जानते हैं स्क्वायर का डायगोनल बराबर होता है √2a, √2 × भुजा, कारण ये आपका कर्ण है, ई भी है, तो ये वाले का कितना आएगा √2a, तो अगर भुजा निकालना है तो ए इक्वल होता है डायगोनल बाई √2, √6/√2, अगर ये आंसर है तो ठीक, नहीं तो √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √2, तो ये आंसर आ गया आपका कितना √3। कितना लंबा है आपका, तो आपका लंबा है साइड इसका √3। fx दिया हुआ है sin 2x, आपको f' π/6 का वैल्यू निकालना है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और x से हमें π/6 रखना है, तो f' साइन x का cos x, तो sin 2x का cos 2x इंटू 2x का 2, x से हमें रखना है π/6, कोस 2 × π/6 और पीछे 2 है कोस पाई बाई थ्री का रिजल्ट हम लोग जानते हैं 1/2 और 2 कैंसिल होके कितना आ गया 1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, लिमिट x→1, 1 का तो कुछ भी पावर लिख सकते हैं, बस इसको मैच करने के लिए 15। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, लिमिट x→a xn-an/x-a इक्वल क्या होता है, पावर आगे आ गया, पावर पे एक कम लिखते हैं, इसको देख के ये वाले पोर्शन a को, तो 15, 1 का पावर 14, अब जानते हैं 1 का कोई भी पावर रहे 1 ही होगा, यानी आंसर आ गया 15। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, चलिए u/v का फॉर्मूला,
भी डिफ्रेंशिएट करेंगे यू को न्यूमरेटर अंश को, अब यू बाहर डिफ्रेंशिएट करेंगे वन प्लस साइन एक्स को बाई वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पूरे से माइनस कॉमन ले लिया जाए, एकदम आसान सा, बस जैसे आप डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं आप बस डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, अगर पॉसिबल है सॉल्व करना तो करते चलेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, देखिए ऊपर नीचे तो मैच कर गया, तो सब बताएगा कौन सा ऑप्शन, माइनस वन बाई ऑप्शन नंबर सी ना, 39। अच्छा स्पेस छोड़ा हुआ है 40, वेरियंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सबको याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है रूट अंडर वेरियंस, तो रूट अंडर 144 तो कितना आ गया, तो आंसर आ गया 12। इन अ लीप ईयर द प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज इज, 53 संडे या 53 मंडे पढ़ने का क्या संभावना है, तो सभी ध्यान देंगे 53, सबसे पहले एक लीप ईयर में 366 डेज, पहले अगर 7 से डिवाइड करके पता किया जाए कितने सप्ताह होते हैं, बावन सप्ताह होते हैं, यानी कि बावन आपका शनिवार ये, बावन आपका क्या होता है रविवार तो होता ही है, बावन रविवार तो कन्फर्म है, दो दिन जो लास्ट बच रहा है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें या तो आपको संडे चलेगा या तो आपको मंडे चलेगा, तो दो दिन में संडे मंडे लास्ट, देखिए बावन संडे, गलत लिखा, संडे और बावन मंडे तो होता ही है, लास्ट जो दो दिन बचा, लास्ट दो दिन में क्या क्या संभावना है, तो लास्ट दो दिन में कोई भी दो लगातार दिन हो सकता है, तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे हो सकता है। अब इसमें या तो दो आपका क्या होगा रविवार होगा, या तो आपका रविवार पड़ेगा या तो सोमवार पड़ेगा, इसकी क्या संभावना है, तो देखिए तो ये सोमवार एक हुआ, ये एक सोमवार हुआ, एक आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा लास्ट दो दिन में, दो दिन में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दो बुधवार पड़ जाए दो शुक्रवार पड़ जाए, तो दो अगर आपका क्या पड़ेगा सोमवार पड़ेगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात में से, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा संभावना है कि दो रविवार, रविवार कहाँ कहाँ आया है, या तो ये दो पड़ेगा, दो अगर आपका क्या पढ़ने वाला है सोमवार पढ़ने वाला है, तो ये दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकता है, तो रविवार भी हमको अगर दो पड़ जाए, या फिर आपका क्या कर रहा है 53 मेरा क्या पड़ जाए, तो ये पड़ जाए, तो इसका क्या संभावना है, तो 366 दिन में 52 सप्ताह होता है, यानी कि 52 शनिवार 52 सोमवार और 52 आपका रविवार होते ही हैं। अब लास्ट दो दिन जो मेरा बचता है, इस लास्ट दो दिन में दो सोमवार कह रहा हूँ कि संडे और मंडे पढ़ने का क्या ये है कि संडे पढ़े या फिर मंडे पढ़े 53 हो जाए, तो संडे कहाँ कहाँ है, देखिए एक ये हमको चलेगा, शनि रवि पड़ जाए तब भी मेरा या तो संडे 53 हो गया, संडे मंडे पड़ जाए
तो या तो मेरा क्या हो गया, ये संडे भी चलेगा, मंडे भी चलेगा दो, और एक मंडे ट्यूसडे हो जाए तब भी चलेगा। तो प्रॉबिलिटी कितने का हो जाएगा, प्रॉबिलिटी हो जाएगा 3 और टोटल है आपका कितना, 7। तो पहला वाला, और यही चीज कहता है केवल एक, केवल संडे कहता है, तो फिर 2/7 होता है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 टेल आने का, तो 3 बार सिक्का उछालने से सैंपल स्पेस HHH, याद करेंगे HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। अगर आप गिनिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये हो गया 8। 2 बार टेल लाना है ना, देखिए कितने जगह पे 2 बार टेल है, 1, 2, 3, और टोटल कितना, टोटल हो गया 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, दो पासा को फेंकने से, दोनों को जोड़ने से 10 आने का प्रॉबिलिटी बताना है। ध्यान से, आप जानते हैं कि दो पासा को फेंकेंगे तो रिजल्ट आता है 1-1, 1-2 ऑर्डर्ड पेयर में, 1-3, 1-4 वगैरह वगैरह करके। तो उतना लंबा ऑर्डर्ड पेयर सैंपल स्पेस लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं NS होगा, पहले वाले में 6 संभावनाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दूसरे वाले में भी वैसे, यानी कि टोटल NS मिल जाता है, नंबर ऑफ आपका क्या है, आउटकम्स हो गया 36। अब इसमें से आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं कि टोटल जोड़ जो हो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। थोड़ा सा मन में सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि 1-1, 1-2, 1-3, जैसे 1-1 जोड़ने से 2 हो रहा है, 1-2 जोड़ने से 3 हो रहा है, ऐसे करते करते कहाँ कहाँ जोड़ने से 10 आएगा। तो 10 आएगा 4-6 पे, 5-5 पे और 6-4 पे, 3 जगह, यानी कि टोटल आपको कितने इवेंट्स मिले, 3। तो इसका प्रॉबिलिटी हो जाएगा आपका 3/36, कैंसिल करने पर 1/12, तो ये हो गया 1/12। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जैक बोर्ड के क्लास 11 के मैथमेटिक्स के 2024 का जो मॉडल सेट है, इसके फर्स्ट मॉडल सेट को सॉल्व किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो वही मॉडल सेट आएंगे उन्हें हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर, और आपको पता चल सके। थैंक यू।